आपको वो आगे वाली कार दिख रही है, उसमें मेरे मॉम डैड बैठे हैं और मैं हूँ यहाँ पे, मेरा बीबी है और मेरा बीबी है और एक्चुअली मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल बात है आज मेरे लिए, समथिंग रियली स्पेशल, वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड माई ड्रीम इज गोइंग टू कम ट्रू टुडे एंड मेरे मॉम डैड को बिल्कुल पता नहीं है कि क्या होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Like, I finesse down Western Road. Hey, hey. This is the moment. Okay. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crash to the party. Finally, today is the day and I'm going to meet her for the first time. I'm very excited. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. I still cannot believe it. This is unreal. I think me and Pranit will sit in the car today at 12 and then just, I don't know, feel or tabhi I think we'll feel that sach mein li hai gaadi. I don't have words, but I'm so happy. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. मुलाची गाडी आहे पण त्यामागे मुलाचे जे कष्ट आहे ते खूप भरपूर आहेत, त्यांनी म्हणजे कष्टातून तो वरती आला. 1979 से मेरे डैड ने ऑटो रिक्शा चलाना स्टार्ट किया 92 तक. उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे काम किए. ओके. एंड आई थिंक इन्हीं रास्तों से डैड रिक्शा भी चलाते होंगे कभी कभी. सो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग व्हेन जब डैड आए थे पुणे सिटी में, तब वो अकेले आए थे गांव से और अभी इतना बड़ा सब कुछ हो गया. अगदी अगदी आनंद काही नाही, गावावरून फक्त एकटा आलो होतो, काही घर नव्हतं, काही नाही काही नाही, पण आज खूप आनंद विशेष. येस, दिस इज फॉर खूप खूप छान वाटते, खूप आनंद झाला मला. माझा मुलगा हिरो आहे, हिरो. बहुत ही बढ़िया, इतने छोटे समय में इतनी प्रोग्रेस करना और इतने कस्टमर क्लाइंटेल का गुडविल हासिल करना, यह बहुत ही बढ़िया है. और प्रणीत इसी तरह आगे बढ़े और प्रणीत के जो बिजनेस है उसको चार चांद लगे, यही मैं शुभकामनाएं करता हूँ. He used to shoot his Good Morning Insta World in his i20 and now we have this. Yeah. When I sit in there and you know I peep out of the window. Sunroof. Sunroof. Okay, yeah. That's when we're gonna have fun. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Like, I finesse down Western Road. I go hard on Southside. This is the byproduct of the hard work. All right, let's go. And I'm gonna tell you a short story behind this car. God's plan. I hold back sometimes I won't. मैंने कितना सोचा था कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं बोलूंगा, लेकिन मुझे कुछ बोलने के लिए नहीं आ रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में याद आ रही है. आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जस्ट एबल टू रिमेंबर वन सिनारियो जहाँ पे
एक ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स मैंने मसाज रूम में मतलब रह के निकाले हैं. जो जिम था, जिस जिम में मैं काम करता था, उस मसाज रूम में मैं और मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर, वी यूज़ टू लिव टुगेदर. और कुछ तकरीबन छः अंडे बनाने वाला एक बॉयलर था, उस बॉयलर पे हम डिपेंडेंट थे. और वो मसाज रूम में एक ऑयल सा ऐसा बास आता है, उस एक्चुअली बास में हम सोते थे. And we always used to dream of actually getting bigger, growing. I'm really very happy for my partner. So he's in Dubai. His name is Sagar, Sagar Zadov. And I'm just missing him right now because usne mera aur maine uska bahut struggle dekha hai. Also, aisa nahi tha ki hum newcomers the. Being into this industry for almost 7 years, I was a constant failure. क्या क्या नहीं किया है यार. जिम के इक्विपमेंट्स बेचे हैं, कार्डियो इक्विपमेंट्स बेचे हैं, योगा मैट्स बेचे हैं, सप्लीमेंट्स बेचे हैं, नथिंग वॉज वर्किंग फॉर मी. एंड नाउ आई डोंट नो वाई आई एम जस्ट नॉट एबल टू से एनीथिंग, जस्ट दिस दैट मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मेरी ड्रीम कार ले पाऊंगा. मैंने सोचा था, लेकिन मुझे लगा था कि हाँ यार, मतलब 35-40 तो हो ही जाएगा, उतना तो होता ही है. आई डोंट नो हाउ आई पुश्ड माईसेल्फ, हाउ आई एग्जैक्टली डिड एनीथिंग, बट ऑल दैट आई कैन से ऑल थ्रू आउट दिस ईयर, व्हाट आई वाज डूइंग रिगरसली वाज टू मेक माईसेल्फ बेटर देन यस्टरडे. उतना ही ड्रीम था, उतना ही मेरा एम था. मैंने कभी भी ज़्यादा प्लानिंग नहीं किया था. जितना प्लान्स होते थे वो तो हमेशा फेल जाते थे. लेकिन या दैट्स व्हाट द सक्सेस इज, जस्ट यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर सक्सेसफुल देन यस्टरडे, यू आर बेटर देन यस्टरडे, एंड दैट्स व्हाट द बेस्ट सक्सेस इज. दैट्स ऑल आई कैन से. एक्चुअली दिस कार इज नॉट एट ऑल शो माई सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए ये नहीं लिया है. आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ स्पीड एंड एस्पेशली व्हेन इट कम्स टू कार्स. आई एम रियली रियली जस्ट पैशनेट अबाउट BMW कार्स एंड आई बॉट इट. ऑल्सो दिस इज समथिंग जो मैं मतलब मुझे याद करके देने के लिए है ये कार की मैंने कितने सेक्रीफाइसेस इसके लिए किए हैं, कितनी बार प्लान्स फेल हुए हैं, कितनी बार फेल्योर्स आए हैं. And I just kept pushing myself. मुझे अभी भी याद है कि जैसे मैं सुबह को 4 बजे मेरा मैं मुंबई निकलता था. मैं मुंबई थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और समटाइम्स संडे को मैं मुंबई में रहता था. और मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे में फिर से पीछे आके पुणे में मेरे ट्रेनिंग्स लेता था. सो मुंबई इसलिए जाता था क्योंकि एक चांस मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर मुझे कुछ किसी का डाइट प्लान करने के लिए चांस मिले या कुछ फिटनेस प्लान करने के लिए चांस मिले. एंड आई यूज़ टू वेट आउटसाइड पीपल्स ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 2 hours, 3 hours, 4 hours समटाइम्स. आई डोंट नो यार, आई डोंट नो. यू आर ऑलवेज लाइक, जब तुम भूखे हो ना हार्डवर्क के लिए और अपॉर्चुनिटी के लिए, देन यू आर लुकिंग फॉर दैट 0.01% ऑफ यू गेटिंग सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. और उसी सिर्फ 0.01% पे मैं पूरा होपफुल होके मुंबई जाता था. एंड ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ रिप्लाई फ्रॉम एनी वन. आई डिडंट गेट एनी मैसेज और समवन्स लाइक टाइम, बट आई जस्ट केप्ट पुशिंग, आई जस्ट केप्ट शोइंग अप एवरी थर्सडे इन मुंबई. And yeah, it just happened. It really feels amazing. All those days, बहुत बार ऐसे होता था कि मैंने actually मैं ये तो मेरा हर रोज़ का रूटीन था कि पुणे में आके भी मतलब जैसे ये तो अच्छे वाले दिन है तभी भी कि मैं एटलीस्ट मुंबई जाना अफोर्ड कर पाता था. लेकिन आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज ऑल्सो व्हेन आई टू वेक अप अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग. और मतलब पुणे में मैं रहता हूँ करवे नगर साइड पर मैं रहता था. मैं जाता था कोरेगांव पार्क और वो डिस्टेंस है एटलीस्ट कुछ 45 मिनट्स का साइकिल पे. और वो साइकिल पे जाना भी
बहुत ज़्यादा फन था एक्चुअली, क्योंकि आई यूज़ टू लव साइकिलिंग एट दैट टाइम. और वो टाइम पे पहुंचना, वो सब कुछ जो तुम्हें आता है वो दूसरे को सिखाना, उनको फिट बनाना, ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है. एंड दैट टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट फेज, यू फील दैट कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ और ये क्यों चल रहा है एंड कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, कब मुझे सक्सेस मिलेगा. लेकिन बिलीव मी, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट एवरीथिंग एंड वॉट एवर इज हैपनिंग दैट इज गुड और बैड फॉर यू, इट इज फॉर गुड. ये हमेशा याद रखिए. जस्ट वन लास्ट थिंग, हार्ड वर्क पेज ऑफ.